आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज के दिन, पर द थिंग इज सिंचैन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। आई मीन वो बहुत ज्यादा नटखट है, काफी नॉटी है, बट ही इज फनी। बचपन में मैंने बहुत ज्यादा सिंचैन देखा है, बट मेरे को ये कभी नहीं पता था कि सिंचैन जिस सिटी के ऊपर बना है वो सिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। जो सिंचैन का गाँव है, जो उसकी सिटी है कासुकाबे, वो आप हकीकत में टोक्यो के अंदर जाके देख सकते हो। So, वेलकम टू द एपिसोड जहां पर मैं जाने वाला हूँ सिंचैन के घर यानी उसके विलेज में। आई हो तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज एंजॉय। सिंचैन के विलेज के बाद मैं गया था अखियावारा, जो कि एनिमे एंड गेमिंग वर्ल्ड है जिसको तुम लोग को जरूर देखना चाहिए, तो एंड तक देखना, फॉर रियल रिग्रेट नहीं करोगे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रक्षित है, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। देखो जापान में ना बहुत ही तगड़े ट्रैफिक रूल्स होते हैं, एंड जो मैंने हरकत जस्ट अभी करी है ना, उसके लिए लिटरली दो ट्रक्स को ना रुकना पड़ा है पीछे, क्योंकि मैंने रोड के बीच में कैमरा लगा दिया था। लेकिन आज जापान में कुछ ज्यादा ही धूप निकली है। मेरे को 4-5 दिन हो गए हैं जापान में, लेकिन ये फर्स्ट डे है जहाँ पर इतनी अच्छी धूप निकली हो। बट बॉयज एंड गर्ल्स, आज के दिन हम लोग जा रहे हैं कासुकाबे। अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि कासुकाबे क्या है, तो कासुकाबे है सिंचैन का प्लेस, एंड सिंचैन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मैलापुन मेट्रो स्टेशन पे आगे सबसे पहले मेट्रो पकड़ लेते हैं, फिर बताता हूँ तुम लोग को आगे। तो मेट्रो हमें ये कार्ड को ना इसमें छुआना पड़ता है, जस्ट लाइक जैसे दिल्ली का मेट्रो होता है, और उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। Let's go। जस्ट यहाँ पर एक है। जल्दी 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 जल्दी। अगर छूट जाते तो मेरे को बहुत वेट करना पड़ता है यहाँ पे, एंड हम ट्रेन के अंदर जाना तो भूल नहीं सकते। मेरे को बहुत चुप रहना पड़ेगा। अच्छे का फैशन देखा था। सो हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले स्टेशन पे। तो कासुकाबे ना थोड़ा सा दूर है टोक्यो से, लाइक अराउंड 50 या 60 किलोमीटर दूर है। तो टोक्यो में आए हुए मेरे को 4 दिन हो गए हैं, एंड अभी ना मैं यहाँ का जो मेट्रो एंड रेलवे है ना वो समझ गया हूँ थोड़ा बहुत। एंड कासुकाबे यानी सिंचैन का प्लेस वो थोड़ा सा दूर है, दैट्स व्हाई लाइक मैंने वेट किया कि जब मैं सब कुछ समझ जाता हूँ उसके बाद जाऊँगा मैं वहाँ पर। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो जगह को इन रियल लाइफ में देखने के लिए। हमें लेनी है ये वाली लाइन, क्योंकि हमें जाना है यूनो की तरफ। ओके यहाँ से मेरे को लेनी है ट्रेन, करीब 1 या 2 घंटा लग। लेट्स गो, आ गई, लेट्स गो भाई, लकी पड़ गया मैं तो। ये थी मेरी सेकेंड ट्रेन, अब मैं पकड़ने जा रहा हूँ एक और ट्रेन। तो अभी मेरे को तीसरी ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद एक और पकड़नी है फोर्थ ट्रेन, एंड फिर मैं पहुंच पाऊंगा कासुकाबे। बहुत दूर है यार ये। स्टेशन पे मेरी ट्रेन आएगी, लेकिन जब तक ट्रेन नहीं आती है मैंने ये बाय किया है। ये कुछ तो ड्रिंक है, मतलब ये दिखने में काफी अच्छी लग रही थी, एंड मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा पी के देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को प्यास लग रही थी। लेट्स सी, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इफ ये सेव है कि क्या है, बट टेस्ट अच्छा है इसका। ऐसी दिखती है, तुम कभी आओ तो तुम ले सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा। मेरे को तो टेस्ट इसका अच्छा लगा। So, 1 घंटे की ट्रेन के बाद हम फाइनली आ चुके हैं कासुकाबे। तो अभी मैं ट्रेन स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, एंड फिर देखते हैं कि आखिर ये एरिया कैसा है। देखो बेस्ट एग्जिट से बाहर निकलना है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है भाई यहाँ पर। मेरे को लगता था कि जापान में ना पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होगी, बट
काफी पॉपुलेशन है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। यहाँ पर तो हर एक चीज जापानीज में लिखी है भाई। टोक्यो में तब भी लाइक कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में थी, यहाँ पे तो कुछ भी इंग्लिश में नहीं दिख रहा है मेरे को, हर एक चीज जापानीज में ही लिखी है। हाँ फाइनली बाहर आ गए, लेट्स सी कि कितने पैसे कटेंगे भाई। 580 रुपए कटे हैं यार। ओके तो ये है कासुकावे। लुक एट दिस। सो बचपन में जो तुम लोगों ने डोरेमोन देखा है एंड सिंचेन देखा है, तो इनकी जो स्टोरीज है ना, ये रियल लाइफ लोकेशंस पे ही बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल सिंचेन में जो तुम कासुकावे वो विलेज देखते हो ना, जो सिंचेन का गांव देखते हो, वो ये है। ये तो ये टोक्यो से थोड़ा सा बाहर पड़ता है, जैसे टोक्यो फुल एक सिटी हो जाती है एंड ये एक छोटा सा टाउन है। एंड इस टाउन में तुम्हें हर जगह पे सिंचेन दिखेगा। फॉर एग्जांपल बोरा सिंचेन, उधर साइड रहा एक सिंचेन, क्योंकि देखो सिंचेन ऑल ओवर बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड दैट्स द रीजन ये जगह अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है। लाइक लिटरली ये सामने वाला ना एक होटल है, उसने सिंचेन की फोटो लगा रखी है। यहाँ पर ना ये एक स्टोर है एंड ये मेरे को ना दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। स्टोर के बाहर से तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर है क्या, बट मेरे को अंदर जाके देखना है। कुछ तो एनिमे रिलेटेड ही है। ये देखो कितना सारा लाइक ऐसा दिख रहा है, गेम्स एंड एनिमे रिलेटेड। मेरे को अंदर जाके देखना है। Let's see इसके अंदर क्या है। ओ रिकॉर्डिंग भी चल रही है भाई, यहाँ पर मैं था। ओ डैम, यहाँ पर लोग गेम खेल रहे हैं। ये पूरा गेम सेंटर है, यहाँ पे हर कोई गेम खेल रहा है। ब्रो ये कितना अनरियल लग रहा है। अपने इंडिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, इतना बड़ा गेम सेंटर तो कहीं पर भी नहीं होता है। लुक एट दिस, ये पूरी जगह पे हर कोई गेम खेल रहा है। भाई मैंने अपनी लाइफ में ये चीज कभी भी नहीं देखी थी। So, अभी प्लान कुछ ऐसा है, कासुकावे में एक म्यूजियम है सिंचेन का, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, एंड वही म्यूजियम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जब मैं जापान जाऊँ तो मैं इस म्यूजियम को जरूर से देखूँ। एंड वैसे भी मेरा प्लान था कि जब मैं टोक्यो आऊंगा तो मैं एक बार सिंचेन की सिटी में आके ना उसका म्यूजियम तो जरूर देखूंगा। तो अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं, बट उससे पहले इधर एक 7-Eleven है एंड मेरे को लगी है बहुत ज्यादा तेज भूख, तो इधर से कुछ खाना लेंगे, खाने को खाएंगे एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे म्यूजियम में, क्योंकि मेरे को देखना है कि आखिर वो म्यूजियम कैसा है। भाई मेरे को 7-Eleven में ना एनिमे रिलेटेड कैंडीज मिल गई हैं। डीमन स्लेयर हो गया, ये टोक्यो रिवेंजर्स हो गया, लुक एट दिस टोक्यो रिवेंजर्स। यहाँ पे बहुत सारी एनिमे थीम कैंडीज हैं, ये पोकेमोन हो गई, ये सारी चॉकलेट्स हैं। इनमें से एक ना एक चॉकलेट तो मैं उठाने वाला हूँ और इंडिया ले जाऊंगा। सो अभी मैंने 7-Eleven से ना ये खाना लिया खाने के लिए, उसके साथ ही साथ ये भी ले लिए मैंने। ये था एक चोको चिप्स यहाँ का एंड ये नहीं कुछ चॉकलेट्स। तो ये है लाइक माई हीरो अकेडमिया की, ये है जुजुत्सु काइशन की, ये है वन पीस की एंड ये है डीमन स्लेयर की एंड ये रहा मैं। दिख क्यों नहीं रहा। तो यार अभी हम लोग खाना खाएंगे एंड ऊपर से मैं ये टेस्ट करके भी देखूंगा कि आखिर ये कैसी है। ये चॉकलेट्स नॉर्मली से थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, मेरे को नहीं पता क्यों। ये खाना सस्ता था, ये ज्यादा महंगी थी भाई। यहाँ पे तुम कुछ भी बेच दो, बस उसके ऊपर एनिमे वाला कुछ चीजें लगा दो ना, तो वो चीज और महंगी हो जाती है यहाँ पे। ओके बाय द वे मैंने अपना खाना कंप्लीट कर लिया, बट ये चॉकलेट मेरे को ट्राई करनी है। खाना एक्चुअली काफी अच्छा था, पेट भर गया मेरा। इसके अंदर ना लाइक इसको अनबॉक्स करेंगे ना तो इसमें पेपर भी निकलता है साथ में। ओके इसके अंदर ये निकला है कुछ तो मेरे को, तो इसके अंदर ये स्टिकर्स वगैरह भी निकलते हैं जब हम इसको ओपन करते हैं तो, एंड एक छोटा सा ये भी निकला है। ये काइंड ऑफ किंडर जॉय टाइप का है, ये जो स्पेशल एडिशन है, अगर हम इसको खोलेंगे तो इसमें अलग अलग चीजें निकल सकती हैं, कुछ लाइक बहुत ज्यादा रेयर भी होंगी। बट इसको टेस्ट करके देखते हैं, ये काफी महंगी थी। ओके इज गुड, बहुत नॉर्मल है। इस तरीके की जो नहीं होती है 5-10 रुपए की आती है अपने इंडिया में, वही चॉकलेट है ये, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। सो जो म्यूजियम है सिंचेन का वो बिल्कुल इधरी साइड है कहीं पे 200-300 मीटर दूर, तो अभी हम लोग उसी के अंदर जा रहे हैं। आई थिंक इसी के अंदर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। या मेरे को समझ में आ गया ये किसके अंदर है। तो ये एक मॉल है एंड ये इस सिटी का आई थिंक सबसे बड़ा वाला मॉल है इस टाउन का, एंड ये टाउन पॉपुलर है सिंचेन के लिए, तो इन्होंने ना इस मॉल के अंदर ही सिंचेन का एक म्यूजियम बना रखा है। तो अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ओ आई थिंक मेरे को मिल गया, ओ आई थिंक मेरे को मिल गया, वो रहा ऊपर रहा। ओके लेट्स गो। दो दो है, ये यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा एरिया है।
लेट्स गो, मिल गया। वही मैं कहूँ आखिर है कहाँ, इधर ही दिखा रहा है बट मेरे को दिखी नहीं ना आखिर कहाँ पे है। फिर मैं देखता हूँ ऊपर है, ये पूरा साइड है, ये रहा देखो। लेट्स सी कि आखिर ये अंदर से कैसा है। डोंट से ये बंद है, डोंट से ये बंद है, क्योंकि इसका दरवाजा मेरे को बंद दिख रहा है। डोंट से ये बंद है, मैं रो जाऊंगा भाई अगर ये बंद हुआ तो। ओ नहीं, बंद नहीं है, बंद नहीं है, खुला है, खुला है, अंदर जा सकते हैं। ओ ये बहुत बड़ा है भाई, हर जगह पे बस सिंचन सिंचन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या सीन है, आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है। हाँ उधर से लोग हैं, दूसरी तरफ से रास्ता है। मैं डर गया था, मैंने कहा कि ओ नो, बंद तो नहीं है ना। ओके तो हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर, एंड एंट्रेंस पे ही एक छोटी सी कार है यहाँ पे सिंचन की, जिसमें तुम बैठ सकते हो, काफी प्रिटी लग रही है। ये छोटा सा म्यूजियम है, आई थिंक किड्स के लिए, बच्चों के लिए ही है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं और ये सिंचन का आइकॉनिक वाला पोज, एंड ये पूरी सिंचन की फैमिली है इधर। ये है वो सारी सिंचन की मूवी जो अभी तक बनी है। तो फर्स्ट सिंचन का मूवी बना था 1993 में, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। एंड उसके बाद जो लेटेस्ट मूवी बना है वो है 2022 में, एंड दो और मूवी आ रहे हैं अभी 2024 के बीच में। यहाँ पे बहुत सारी मर्च भी है जो कि तुम सिंचन की रिलेटेड बाय कर सकते हो। तो ये देखो, यहाँ से तुम ये बाय कर सकते हो, टी शर्ट्स भी बाय कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इफ तुम्हारे घर पे कोई बच्चा है जो कि बहुत बड़ा फैन है सिंचन का, तो उसके लिए तो ये जगह बिल्कुल हेवन है भाई, वो तो इसी में ही घूमता रहेगा 24/7। एंड इधर साइड है खेलने का एरिया, तो तुम कुछ मनी दे के ना यहाँ से ये सब कुछ जीत सकते हो। अगर यहाँ पे तुम लोग खेलोगे ना तो तुम्हारे ये जीतने की भी चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ओ इधर एक माइनक्राफ्ट का भी है, हम इसको भी खेल सकते हैं। इधर फॉल गाइज है यार, मेरे को ये एंडरमैन चाहिए। ये एंडरमैन तो बहुत बड़ा है, और उधर एंडर ड्रैगन भी बहुत अच्छा है, लाइक काफी बड़ा वाला एंडर ड्रैगन है वो। वो रही सिंचन की बहन, उसको भी ले सकते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, ये कितने प्यारे लग रहे हैं एंडरमैन का चेहरा। वेट वेट वेट, मेरा खेलने का मन कर रहा है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स प्ले। कितने पैसे डालने पड़ेंगे मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को खेलना है इसको। बाय द वे ये रही सिंचन के चोको चिप्स, एंड अभी मैं ये खरीदने वाला हूँ। ये रहे, ये तो मैं जरूर खरीदूंगा भाई, इनको टेस्ट तो मेरे को जरूर करना है। ये आई थिंक ओरिजिनल वाले हैं, बिल्कुल भाई स्टाइल में, यही खरीदूंगा अभी मैं। तो जो सिंचन का म्यूजियम था वो तो मैंने पूरा का पूरा देख लिया है, मतलब ये पूरा का पूरा यही था। इस म्यूजियम में ना एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी है, एक जगह पे ना फुटप्रिंट्स एंड हैंड प्रिंट्स ये सारे मतलब लगाए हुए थे, कि मतलब जो सिंचन का डॉग है उसका प्रिंट कितना है, उसके डैड का, उसकी मॉम का, एंड एक बहुत छोटा सा सिंचन का भी था। तो वो एक काफी अच्छा लगा मेरे को एज अ रेफरेंस। एंड जो मूवी वाला सेक्शन था ना, वहां पर भी मूवी के रेफरेंसेस के लिए ना बहुत सारे गैजेट्स रख रखे थे जो कि सिंचन ने यूज करे थे मूवीज में। तो ये जो टाउन है ना कासुकावे, तो इन्होंने ना एज अ ट्रिब्यूट के लिए, क्योंकि सिंचन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो एज अ ट्रिब्यूट के लिए ये इस वाले मॉल में इन्होंने इस म्यूजियम को बनाया था। तो काफी अच्छा ट्रिब्यूट है अगर तुम देखोगे तो। अभी ये नॉर्मल सा मॉल है, यहाँ पे कपड़े वपड़े बिक रहे हैं, मैं देखूंगा कि क्या क्या है यहाँ पे, खाना भी खाऊंगा। एंड अभी तो हम लोगों ने सिर्फ म्यूजियम देखा है, मैं नॉर्मल वो प्लेसेस भी देखना चाहता हूँ। इफ मैं फाइंड कर सकता हूँ तो वो प्लेसेस भी फाइंड करने की कोशिश करूंगा जो कि सिंचन के थे, लाइक जो उसका पूरा आसपास का एरिया था ना, वो वाला एरिया। तो अभी मैं इंटरनेट पे देखूंगा, इफ मेरे को मिल सकता है तो मैं वो एरिया में भी घूम के आऊंगा। तो मैं ना नॉर्मली ये पूरे टाउन को घूम रहा था, काफी छोटा बट काफी ब्यूटीफुल सा टाउन है ये। एंड उधर कुछ तो एक बिलबोर्ड है सिंचन का, मेरे को एक्चुअली समझ तो नहीं आ रहा कि आखिर बिलबोर्ड पे लिखा क्या है, बट काफी सुंदर लग रहा है ये वाली बिल्डिंग है ना, इस पे लगा है। एज कम्पेयर टू टोक्यो, ये वाली जो जगह है ना ये थोड़ी सी शांत है, लेकिन जब हम टोक्यो में थे ना तो भावे ना बहुत ज्यादा आवाज है, एंड भावे बहुत ज्यादा ना भीड़ भाड़ है। यहाँ पर रोड है ना थोड़ी थोड़ी सी खाली है, नॉट गोना लाई, सुंदर तो है, जगह काफी सुंदर है ये। सो वेल, अभी मैंने मोस्टली हर एक चीज यहाँ पे घूम ली है, एंड अभी मैं वापस जा रहा हूँ। बट अभी हम लोग ना एक काफी स्पेशल जगह पे जा रहे हैं जो कि है अकिहाबारा। तो अकिहाबारा में ना मोस्टली एनिमे रिलेटेड चीजें होती हैं, एंड काफी अच्छी जगह है टोक्यो की। तो मैंने अभी तक वो घूमा नहीं है, तो मेरे को वो भी घूमना है। तो हम यहाँ से सीधे ट्रेन लेंगे उसके लिए, एंड वो घूमने के बाद फिर मैं जाऊँगा अपने घर पर। अभी
मैं आया हूँ अकीबहारा में एंड ये जगह कुछ इस तरीके की है। ये जगह काफी ज्यादा मॉडर्न है, यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स है ना बहुत ऊंची ऊंची है, बट ये जगह भी काफी ज्यादा प्रिटी है, अगर तुम देखोगे ना तो बहुत सुंदर जगह है ये। तो जब मैं जापान आ रहा था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को रिकमेंड किया था कि मैं इस जगह को जरूर घूमूं, क्योंकि ये जगह ना थोड़ा बहुत ओसाका एंड क्योटो की लाइक याद दिलाती है, लाइक ये छोटा सा वर्जन है उसका। वैसे ये एरिया एनिमे लवर्स के लिए और भी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे एनिमे रिलेटेड चीजें बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो तुम, उधर साइड एक पूरा गेमिंग स्टोर है एंड उधर मेरे को कुछ तो अजीब दिख रहा है भाई, मेड कैफे तो नहीं है ना उसके अंदर। यहाँ पर ना एक चीज चलती है जिसका नाम होता है मेड कैफेज, मेरे को उसको ट्राई करना है, मैंने अभी तक जस्ट किया नहीं है उसको ट्राई, बट आई थिंक मेड कैफेज इधर ही है। यहाँ पर देखो मेरे को एक बिलबोर्ड दिख रहा है जहाँ पे दो लड़कियां हैं एंड ऊपर और भी लड़कियां हैं। मैंने मेड कैफेज के बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना है, वो लोग अंदर जाते हैं ठीक है एंड काफी फ्लर्ट वगैरह करते हैं, वो कॉस्प्ले करके बैठे होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट मैं कभी उसके अंदर नहीं गया हूं, तो मुझे खुद नहीं पता है कि आखिर क्या क्या होता है, बट मेरे को एक ना एक बार ना उसको एक्सपीरियंस करना है। तो इंडिया जाने से पहले ना अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं मेड कैफेज में जरूर जाऊंगा। ओके गेट रेडी, अभी मैं जो तुम लोग को दिखाने वाला हूं ना वो तुम्हें बहुत गंदा चौंकाने वाला है। शीश, लुक एट दिस ब्रो, ये पूरा एरिया देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई। ये पूरा का पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ एनिमे फैंस के लिए है, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एनिमे की चीजें दिख रही है। ओ डैम, ओ फ्रिकिंग गुड भाई, अभी कितना अच्छा लग रहा है ये, मैं पागल हो जाऊंगा, ये बहुत सुंदर है ये एरिया। लाइक ये चीज तुम इंडिया में ना इतना इजी नहीं देख सकते हो, आई एम प्रीटी श्योर ये चीज को इंडिया में आने में सालों लग जाएंगे। यहाँ पर ना बहुत ज्यादा एनिमे कल्चर हो चुका है, लुक एट दिस डैम। अब मेरे को समझ में आ रहा है आखिर मेरे को सारे लोग क्यों बोल रहे थे कि मेरे को इस एरिया में आना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये एरिया कायदे में बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देखो बहुत सारे बिलबोर्ड्स वगैरह है यहाँ पे, हाँ शुया क्रॉसिंग इन वगैरह है ना, वो थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न आ जाती है। यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, पहले इस पूरे एरिया में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से तुम लोग शॉपिंग कर सकते हो। मैं अभी एक ये स्टोर में आया हूँ, यहाँ पे ना मोस्टली मांगास एंड एनिमे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो तुम खरीद सकते हो। नॉट जस्ट दैट, यहाँ की म्यूजिक्स भी हैं, मूवीज भी हैं और बहुत सुंदर है भाई ये जगह, काफी ज्यादा कलरफुल है एज कम्पेयर टू लाइक टोक्यो के ना दूसरे पार्ट से कम्पेयर करने में ना ये जगह बहुत ही ज्यादा कलरफुल है भाई। यहाँ पे किस किस की सीढ़ियां हैं, इस पूरी जगह पे बस सीढ़ीज हैं। इंडिया में भी ना ऐसी दुकानें होया करती थी, अब तो है ही नहीं भाई एक भी उधर। वेल ये जो मैं मॉल में अभी आया हूँ ना, इस पूरे एरिया में ये पूरा का पूरा एरिया इज जस्ट अबाउट एनिमेस। मैं जो भी शॉप पे जा रहा हूँ ना वो हर एक शॉप सिर्फ और सिर्फ एनिमे रिलेटेड है। इस पे स्टिक फिगर्स थे, इस पे और भी चीजें, इस पे तो बहुत सारी चीजें हैं एनिमे रिलेटेड। आगे उधर साइड है उस पे भी एनिमे रिलेटेड चीजें हैं, ये देखो इतने सारे स्टिक फिगर्स हैं यहाँ पे। इनका प्राइस देखोगे ना तो ओह डैम भाई बहुत महंगे महंगे हैं, 47,000 येन का है ये, बट फिर भी एज कम्पेयर टू इंडिया ना ये काफी सस्ते हैं, क्योंकि इंडिया में ये और भी ज्यादा महंगे मिलते हैं, कुछ ज्यादा ही महंगे मिलते हैं उधर। दिस वन ये कितना सस्ता है, ये 5,000 येन का है, काफी सुंदर लग रहा है भाई ये। वेल या आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इफ तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है रचित एंड मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।